लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? हमने ऑब्जेक्ट समझा था, क्लास समझा था, इनकैप्सुलेशन समझा था, ठीक है। तो इस सेशन में हम क्या समझेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म समझेंगे, एब्स्ट्रैक्शन समझेंगे और इनहेरिटेंस समझेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते कि हमने क्या लास्ट सेशन में किया था। जैसे कि हमने जब ऑब्जेक्ट की बात किया था कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो हमने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल टाइम एंटिटी एंड दैट हैव स्टेट एंड बिहेवियर और इट टेक्स सम स्पेस इन मेमोरी, मतलब कुछ ना कुछ ये स्पेस लेगा मेमोरी में, जहाँ की क्लास क्या है, रियल टाइम एंटिटी नहीं है, इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी एंड अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड क्लास क्या था कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा स्पेस लेता है बट क्लास स्पेस नहीं लेता है। जैसे अगर हम जैसे कि एग्जाम्पल में ये बताया था, जो स्टूडेंट है आप उसे उसका कुछ ना कुछ जब तक नाम नहीं देंगे वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। तो हमने बताया कल हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि आज के जो सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस समझो कि सबसे पहले होता क्या है। इनहेरिटेंस होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सी कि हम लोग के पापा थे और हम हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट हैं, तो कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अपने पेरेंट के सारे प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, इनहेरिट कर लेता है। मतलब जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है एज ए चाइल्ड, तो होता क्या है, वो अपने फादर के ऑलमोस्ट सारे जो बिहेवियर है, प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि दो हाथ दो आँख, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है और कह सकते हैं कि जो ह्यूमन नेचर वाला है वो कर लेता है। वैसे आप बोल सकते हैं जैसे कि नेवला हो गया, उसका बच्चा हो गया, अपने फादर का उसका सारा मतलब इनहेरिट कर लेता है प्रॉपर्टीज़, है ना। आप देखते होंगे कि कुछ लोगों के जो फादर होते हैं थोड़ा मतलब कम एजुकेटेड हैं और थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका बेटा जो होता है थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है, उसके वो अपने पापा का इनहेरिटेंस तो लिया, मतलब उस प्रॉपर्टीज तो लिया, साथ ही साथ वो अपना भी प्रॉपर्टीज़ को इनक्रीज़ किया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया ना। तो जो इनहेरिटेंस की बात किया कि इनहेरिटेंस क्या है, जब तो हम जानते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें इतना समझो कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के या अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऑल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को क्या करेगा, अचीव कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे, वो इनहेरिटेंस कहेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम अगर एक जगह कोड लिखेंगे उस कोड को हम बार बार अलग अलग क्लासों में हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम इनहेरिटेंस कहेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने ये बताया था कि इनकैप्सुलेशन क्या है। तो इनकैप्सुलेशन है बाइंडिंग एंड रैपिंग ऑफ कोड एंड और लाइक जो सबसे बड़ा जो एग्जांपल था वो हमारा क्लास ही था। जैसे कि आपको साइड में जो एग्जांपल दिख रहा है, इसमें क्या हमने करा है, स्टूडेंट का नेम एंड रोल नंबर लिया था, हमने क्या किया था, उसका दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, S1 एंड S2 बनाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रैप किए थे वो हमने गेटर और सेटर के थ्रू नहीं किया था, इसीलिए हमें इतना प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। हमें या इस एग्जांपल में भी आप ये समझो कि डॉट नेम करेंगे तभी हमें प्रिंट होगा, अगर डायरेक्ट अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे S1 को तो हमें वैल्यू नहीं देगा, रिमेंबर ना, ये हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या समझेंगे, अभी हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो स्टूडेंट है उसका हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टूडेंट का बिहेवियर है, अब हम कैसे बनाएंगे कोई क्लास जो उसके बिहेवियर को वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। मान लो कि कोई क्लास है स्टूडेंट, या क्लास मान लेते हैं, या ऐसे समझो कि हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिखते हैं पेरेंट है, पेरेंट का कुछ नेम है, पेरेंट का क्या है स्ट्रिंग टाइप का एक और दे देते हैं, पेरेंट का नेम है
फर्स्ट नेम लेते हैं, फर्स्ट नेम है, इन दोनों के बीच में हाइफन देते हैं और एफ को स्मॉल में करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम। फिर हम करते हैं कि लास्ट नेम लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लेते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, उसका जो एड्रेस है हम वो भी डाल सकते हैं। डाउट होगा तो आप उसी समय पूछना, एड्रेस है और भी कुछ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि समझो एक पेरेंट क्लास है हमारे पास, क्या है, एक पेरेंट क्लास है। हम लोग अभी इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जितना ज़रूरत है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इनहेरिटेंस है, अगर हमारे पास पेरेंट क्लास है, अगर हमारा दूसरा क्लास, अगर मान लो कि चाइल्ड क्लास है हमारे पास, और चाइल्ड के पास मान लो कि अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, चाइल्ड अभी अभी उसका जन्म हुआ है, चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं है, तो अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है? हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, वेरी सिंपल, ये आपका एक क्लास हो गया, ये आपका दूसरा क्लास है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेन के अंदर में क्लास का नेम देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम मान लो कि हमने सी वन दे दिया, चाइल्ड वन दे दिया, इक्वल टू हमने न्यू लिखा, फिर हमने दस से देके बंद किया। अभी तक किसी को डाउट है? नहीं है ना, ठीक है। तो हमने अभी दो क्लास बनाया, पेरेंट और दूसरा बनाया चाइल्ड। हमने यहाँ पे एक पेरेंट बनाया है और दूसरा चाइल्ड बनाया है। पेरेंट के पास थ्री एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस, राइट, उसके पास तीन चीज़ है, बट चाइल्ड के पास अभी कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने क्या किया है, चाइल्ड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एकदम गौर से देखना है, कोई डाउट होगा हम दोबारा भी रिकैप करेंगे तो उसमें सारा चीज़ समझ में आएगा जो पिछला हमने स्टडी किया था। तो हमारे पास अभी दो क्लासेस हैं, पेरेंट है, चाइल्ड है। पेरेंट क्या कर रहा है कि पेरेंट के पास थ्री एट्रीब्यूट है और चाइल्ड के पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। अगर हम इस जगह पे सिस आउट और प्रिंट एलन लगा करके अगर मैं देखना चाहूँ कि चाइल्ड के पास क्या है, ठीक है, सी वन हम अगर प्रिंट करें तो ये प्रिंट तो हो जाएगा, इसमें किसी कोई डाउट ही नहीं होगा। कैसे डाउट नहीं होगा, लेट सी, ये प्रिंट करेगा, बट हमें प्रिंट करा के हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम में, हमें तो कुछ और चेक करना है, राइट। ये देखो अभी आपको दिखा होगा कि हमने ये जो आउटपुट निकाला है उसमें आपको दिख सकता है कि क्या दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसमें आप ये चीज़ देखो कि हमने हमारा जो आउटपुट आया है ये यहाँ पे ऐसे कुछ करके आ रहा है, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था। ये क्यों आता है, ये इनकैप्सुलेशन के कारण आता है, ठीक है। हमारा डेटा क्या हो गया, रैप हो गया है, हमें पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर में क्या है, खाली डब्बा है। जो इन कैप्सूल देखो ना, कैप्सूल बेस्ट एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का। तो कैप्सूल के अंदर में खाली है, भरा हुआ है, हमें नहीं पता। तो अभी हम अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ जो लास्ट टाइम जैसे हम करते थे कॉल करते थे डॉट लगाएंगे, तो देखो हमारे पास कोई ऐसा फिल्टर नहीं है जिसे हम प्रिंट करें, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, या ऐसा कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि हम देख सके। आपको ये दिख रहा है ना, नीचे साइड में दिख रहा होगा, इक्वल, हैज गो, टू स्ट्रिंग, गेट क्लास, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट, वेट का दो मेथड है, एक लॉन्ग आगे है, एक लॉन्ग आगे। तो इन सब चीज़ों को हम बाद में डिस्कस अभी करेंगे, ये क्या चीज़ है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट अभी ये समझो कि अभी जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है सी वन, उसमें आपके पास कोई एट्रीब्यूट नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ना फर्स्ट नेम दिख रहा है, ना लास्ट नेम दिख रहा है। अगर आपने इसके बाद भी जब नहीं है एक्सेस, इसके पास है नहीं, आप ज़बरदस्ती लिखना चाहोगे कि ऊपर में जो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, राइट, वो लिखना चाहोगे प्रिंट करने के लिए, तो इसको नहीं दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे टाइप कर दिया, राइट, या आप ऐसे पेस्ट भी कर दिया तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे हम अगर दूसरी बात करें कि हमने सी वन लिया डॉट, सी वन डॉट लास्ट नेम करना चाहेंगे, नहीं आ रहा है, कोई कोई भी फील्ड नहीं आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट वन करते हैं,
हमने क्या किया, c1.address करना चाह रहे हैं। हमें इसमें से कोई भी फील्ड नहीं दिख रहा है, अगर हम जबरदस्ती करके हम क्या करेंगे इसको रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, हमें एरर देगा, ये हमें एरर देगा, बोलेगा कि नहीं सर देखो यह क्या कर रहा है कि एरर एग्जिस्ट इन रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट, हमें यहाँ पे एरर दिख रहा है, अगर आप प्रोसीड करोगे तो आपको एरर आएगा, आपका कोड यहाँ पे फट जाएगा। नीचे जो आपका आउटपुट कंसोल है उसमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ कि एक्सेप्शन इन द थ्रेड जावा लैंग एरर, आपके पास एरर आ गया है, अनसॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, क्योंकि कंपाइल ही नहीं हुआ है, क्या कह रहा है कि फर्स्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व और इज नॉट अ फील्ड, ये फील्ड नहीं है, किसका फील्ड नहीं है तो चाइल्ड का फील्ड नहीं है। फिर कह रहा है लास्ट नेम कैन नॉट बी रिजॉल्व और इज नॉट अ फील्ड, किसका फील्ड नहीं है, चाइल्ड का फील्ड नहीं है। सेम कह रहा है कि एड्रेस के लिए, मतलब कि हमने जो क्लास बनाया है पेरेंट उसके फील्ड को हम चाइल्ड के साथ हम लेना चाहते हैं, जो पापा का संपत्ति है वो बेटा लेना चाहता है, बट ऐसे तो ले नहीं सकता। अब वो किसका बेटा है वो तो हमें बताना पड़ेगा, कैसे बताना पड़ेगा, उसे चाइल्ड को बताना पड़ेगा कि वो किसका फादर, वो किसका बच्चा है, कैसे, जब तक चाइल्ड से पूछोगे नहीं तो चाइल्ड बताएगा कि हाँ जी हमारा जो पापा है ना वो हमारे, ये हमारे पापा हैं, ठीक है। अब सेव करो, सारा एरर ख़त्म हो गया। अब आपने रिलेशन बता दिया, चाइल्ड ने क्या किया, पेरेंट को इनहेरिट कर लिया, मतलब बताया कि ये हमारे फादर हैं, तो क्या होगा, चाइल्ड के पास अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन देखो एरर चला गया, ठीक है। अगर अब राइट क्लिक करोगे और चलाओगे तो ऐसा एरर नहीं आएगा, देख रहे हो, वैल्यू कुछ नहीं है तो नल ही देगा, वैल्यू तो कुछ नहीं है तो नल ही देगा। लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे तुम वैल्यू दे देते हो, सपोज कि यहाँ पे कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि क्या ले लें, राकेश का नाम लेते हैं, आरकेएस ले लेते हैं, है ना, राकेश कुमार ले लेते हैं, आर के ले लेते हैं, यहाँ पे आर ले लेते हैं, यहाँ पे के ले लेते हैं, ठीक है, के ले लेते हैं, यहाँ दे देते हैं डेली, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, छोटा छोटा ले लिए, राइट क्लिक किया और दोबारा से हम इसको रन करके चेक कर रहे हैं क्या इसमें कुछ वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको साइड में दिख रहा होगा आर के एंड डेली करके, उसमें कुछ वैल्यू आ रहा है ना, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे है तो डेटा आ रहा है। अब देखो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा है और वहाँ डेटा उसको दिख रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, मतलब पेरेंट के पास कोई भी चीज़ है, अगर चाइल्ड को चाहिए, क्योंकि यहाँ चाहिए था मेन में, देखो मेन में क्या चाहिए था, C1 डॉट लगाया, C1 डॉट लास्ट नेम फर्स्ट नेम एड्रेस वगैरह बताया, तो चाइल्ड को चाहिए, राइट, तो चाइल्ड को क्या मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा। तो ये तो रहा क्या कि फील्ड की बात है, राइट, ये तो फील्ड की बात है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे अगर कोई मेथड होता, मेथड इन द सेंस व्हाट, कि मेथड हम कैसे लिखते हैं, हम मेथड ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, फिर आप उसका रिटर्न टाइप दोगे, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, फिर उसके बाद आप क्या दोगे, यहाँ पे आप उसका नेम दोगे, इस वाले ब्रेसेस से पहले नेम दोगे, जैसे मान लो कि मेथड M1 मैंने लिया, और उसके बाद क्या लेंगे, कर्ली ब्रेसेस और इंटर कर देंगे, तो ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। सिस आउट लिखते हैं यहाँ पे और लिखते हैं कि I am in parent class लिखते हैं, ऐसे समझो हमने ये लिखा कि आई एम इन पेरेंट क्लास। तो देखो अगर अभी क्या करें कि इसके साथ ही एक और काम करना चाहें हम लोग, C1 डॉट लगाना चाहें और क्या देखना चाहें कि M1 कॉल हो रहा है कि नहीं, तो देखो अब M1 भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इन सब चीज़ों को क्या करें, कमेंट कर दें, मतलब इसे रन नहीं कराएं और सिर्फ हम M1 को कॉल करें, तो यहाँ भी आपको डेटा दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या प्रिंट हो रहा है, आपको ये प्रिंट हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आपको ये दिख रहा है कि जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में 3 फील्ड्स था, उसके साथ साथ हमने एक मेथड बनाया, मेथड इन द सेंस फंक्शन क्या है, पब्लिक मॉडिफायर है,
रिटर्न टाइप क्या है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। एम वन हमारा नेम है मेथड का, उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक हम प्रिंट मैसेज दिए हैं कि आई एम इन पेरेंट क्लास, और उसको हम क्या कर रहे हैं चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड ने क्या किया है पेरेंट को एक्सटेंड किया है, मतलब इनहेरिट कर रहा है, और इनहेरिट किया तो उसका पेरेंट का जितना कुछ भी है सारा कुछ किसके पास आ जाएगा, चाइल्ड के पास आ जाएगा, है ना। जब चाइल्ड के पास आ गया तो क्या होगा, चाइल्ड उसको कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे चाइल्ड क्या किया, बाकी चीज़ को भी प्रिंट करके हमने देख लिया था इन सब चीज़ों को, राइट। और फिर हमने क्या किया, एक c1.m1 को भी हमने प्रिंट किया। तो इससे क्या हुआ कि पेरेंट के पास जो मेथड अवेलेबल है वो चाइल्ड के पास भी अवेलेबल है, करेक्ट। ये प्रोग्राम मैं सेंड करूँगा, एक और प्रोग्राम कर लेते हैं इनहेरिटेंस का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या जो भी आपका पैकेज है उसके ऊपर, और एक बनाना है। लेट्स सी कि हम क्या करते हैं, राम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, या छोड़ो राम, ठीक है राम बनाते हैं, राम एज अ पेरेंट लिखते हैं, ठीक है छोड़ो, सिर्फ राम लिखते हैं हम लोग, चाहे इसमें ऐसा करते हो कि इनहेरिटेंस एग्जाम्पल लिख देते हो, इनहेरिटेंस एग्जाम्पल, ओके। फिर हम क्या कर दिए, हमने यहाँ पे एक मेन बनाया, ओके वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, हमने जो इसमें बनाया है कोड, जो इसमें हमने लिखा है, आप लोगों को ये लाइंस दिख रहा है ना जो मैं कोड लिखता हूँ उसमें, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। यस ओके ओके, एक मिनट, यहाँ से कुछ लाइंस भी हम बढ़ा सकते हैं, एडिटर जूम इन, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा आपको अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप क्लियर दिख रहा है? यस सर। बस और करने के लिए बोलो तो मैं और कर देता हूँ, अब ठीक है आई थिंक, है ना, अब बहुत अच्छा है। हाँ तो देखो, अभी जो हम बहुत ही सिंपल सा हमने प्रोग्राम बनाया, क्या प्रोग्राम बनाया है, एक हमने ओप्स कॉन्सेप्ट में बनाया था, ठीक है, और बताया था कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पेरेंट और चाइल्ड का बताया था। अभी देखो, मान लेते हैं कि राम और श्याम दो क्लास हैं, क्लास ये राम है, ठीक है राम है, क्लास का नाम क्या दिया हमने, राम दिया है, और राम के पास क्या है कि एक क्या कहते हैं फंक्शन है, फंक्शन इन द सेंस क्या, हम जैसे अभी बताए थे हम फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, पब्लिक दिया, फिर लिखा हमने वायर लिखा, फिर हमने लिखा कि माई कार नेम, ठीक है माई कार नेम लिया, ठीक है। हमने अभी क्या किया है देखो, हमने सिंपल लिखा है एक राम, राम हमारा क्या है, राम हमारा यहाँ पे देखो क्लास है, राम हमारा क्या है क्लास है, क्लास के अंदर में हमने क्या किया है एक अलग से मेथड बनाया है, मेथड का नाम क्या है माई कार नेम है, ठीक है माई कार नेम है। इसके अंदर में हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर में क्या करते हैं सिस आउट लिख करके कंट्रोल स्पेस देंगे तो हमें ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कोड में क्या लिखा है कि माई आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ठीक है, एंड कार कौन सा है लेते हैं ब्रिजा लेते हैं, हमारे पास ब्रिजा हमारे पास कार है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर राम का जो लड़का है मान लेते हैं कि वो लव है, ठीक है ठीक है लव है, और हमने क्या किया है कि जो देख लो LOVH लव ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जो लव है, अब वो क्या करना चाहता है, अब लव के पास तो कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक है इन द सेंस, ऐसे है लव, लव के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन लव क्या चाहता है, वो अपने लव से कोई पूछेगा कि हाँ लव तुम्हारे पास बताओ क्या है, तो लव क्या करेगा बताओ, उसके पास तो कोई कार नहीं है तो कैसे बताएगा कि उसके पास कार है या नहीं,
हाँ तो अगर उसके पापा के पास कार है तो बताना चाहिए, लेकिन अभी तो इसके पास, इसको खुद पता नहीं कि उसके पापा क्या है। ठीक है, तो अगर हम अगर राम की बात करें, ऑब्जेक्ट राम हमारा R1 है, राम मान ले कि राम का जो ऑब्जेक्ट है R1 इक्वल टू न्यू ले लिया और राम ले लिया, राइट। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, अगर आप कुछ नहीं करो R1 डॉट करोगे और माई कार ले लोगे और कॉल करके देखोगे, ऐसे समझो। अगर आपने यहाँ पे कॉल करके देखा तो क्या होगा, आपको दिखाएगा राम कह रहा है, राम क्या कह रहा है कि राम के पास एक कार है, क्योंकि हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, राम का बनाया है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, राम कह रहा है कि उसके पास क्या, कौन सी कार है, ब्रिजा है, आई हैव अ कार ब्रिजा। ओके, तो अगर इसके जगह पे लव आ गया, लेट्स सी कि हमने जो प्रोग्राम बनाया इसी के नीचे अगर लव आया, लव L1 इक्वल टू न्यू LUB, ओके हमने किया और क्या किया, L1 डॉट करेगा, तो यहाँ देखो कुछ नहीं मिल रहा उसको, लेकिन ये जबरदस्ती करना चाहेगा कि नहीं मेरे पास भी कार है, ठीक है, और दिखाना चाहेगा और रन करोगे। देखो यहाँ पे आपको साइड में एरर दे रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती रन करोगे तो क्या होगा, आपको ये प्रॉम्प्ट मैसेज देगा, आप उसको भी नहीं सुनोगे, प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन देगा और एकदम क्लियर कहेगा कि एक्सेप्शन इन मेन एरर आया है कि द मेथड माई कार इज अनडिफाइंड फॉर टाइप लव, जो लव है उसके लिए ये नहीं है। यहाँ देखो कंसोल पे जो मेथड है माई कार इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप लव, लव के लिए ये माई कार अवेलेबल नहीं है, लव के पास कोई कार नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसे हमने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसको एक्सटेंड्स करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखेंगे और किस क्लास से कराना है, तो राम से कराना है, राइट। क्लियर हो गया, अब यहां पे आओ और इसको रन करके देखो, ठीक है। अब दोनों के पास है, फादर के पास भी है और चाइल्ड के पास भी है, दोनों के पास क्या है, कार है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज समझ में आया। जी सर, कोई डाउट है किसी को यहां पे? ओके, तो इतना समझो कि हमारे पास जो, जब भी हम किसी क्लास को, अब पॉइंट आ गया हमें थ्योरी को दिमाग में रखने के लिए, अगर आप थ्योरी भूल जाओगे आप कभी ना कभी फंस जाओगे, आगे का जब भी कोडिंग करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है और कैसे हम इस प्रोग्राम को अचीव कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है कि हमें प्रॉब्लम ना आए, कैसे, जब भी हमें इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, राइट, तो सबसे पहले दो चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, किस क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं, पहला चीज किस क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज कि क्या उस क्लास के पास वो चीज़ है, जैसे कि माई कार नेम, ठीक है, हो सकता है उसके पास कुछ फील्ड्स वगैरह भी हो, ठीक है, जैसे ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, दो तीन जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था वो चीज़ है या नहीं है। पहला चीज़ क्या है कि सबसे पहले पता करना है कि वो क्लास है या नहीं, कहाँ है वो भी ध्यान रखना है कि हमारे इस वाले पैकेज में, पैकेज का नाम क्या है, ओप्स, ठीक है, इस पैकेज में ये क्लास है या नहीं, ठीक है। अब वो पैकेज वगैरह हम थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन पहले इतना समझो कि हमारे पास सबसे पहले क्या चेक करना है कि हम जिस क्लास को इनहेरिट करने जा रहे हैं क्या वो क्लास है या नहीं है। सेकेंड चीज क्या उस क्लास के पास माई कार नेम है या नहीं, राइट, या जो जो चीज हमें चाहिए क्या वो चीज अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास कि जिस क्लास से मुझे एक्सटेंड करना है, क्या कह रहा हूँ, जिस क्लास से मुझे एक्सटेंड करना है क्या उस क्लास के साथ हमने एक्सटेंड कीवर्ड लगाया है, अगर नहीं लगाया है तो सबसे पहला काम करना है कि जिस क्लास को एक्सटेंड करना है वो हमें लिखना पड़ेगा। लिख मीन्स कि यू हैव टू राइट द चाइल्ड क्लास नेम, देन
एक्सटेंड कीवर्ड एंड देन पेरेंट क्लास, राइट। क्या लिखना है, सबसे पहले चाइल्ड क्लास व्हेन यू डिक्लेयर, देन एक्सटेंड कीवर्ड एंड देन रैम, राइट, जो पेरेंट क्लास है वो। तो अभी तक समझ में आ गया होगा। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सटेंड कीवर्ड कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, बोलो। एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस, क्लियर है, याद रहेगा। हाँ, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ भी जावा में पूछने से पहले ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि एक्सटेंड्स कीवर्ड्स की हम कहाँ यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पे, देखो जब गूगल पे जाओगे, ठीक है, इधर आते हैं थोड़ा सा, इधर कर लेते हैं। जब गूगल पे जाओगे तो गूगल पे लिखना programmingship.com एंड programmingship.enter माना, ठीक है। जब इंटर करोगे तो हमारे वेबसाइट पे आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। और जगह पे जाओगे जो जो है उसको उसको समझना है। आपने यहाँ कर लिया होगा।